मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम जिस फंक्शंस पे बात करेंगे वो है समिप। जैसा कि पहले हम सीख चुके हैं कि सम से हम प्लस करते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट रोज, डिफरेंट कॉलम या डिफरेंट सेल की वैल्यूज को जमा करते हैं। समिप से भी हम प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ हम उससे कुछ कंडीशन डिफाइन करते हैं और जो कंडीशन हम डिफाइन करते हैं या जो क्रिटेरिया हम डिफाइन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर हमें प्लस करके देता है। हम 5 टाइप के क्रिटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, और हम जो क्रिटेरिया अपने सॉफ्टवेयर को देंगे उसी के मुताबिक ये हमें हमारा आंसर कैलकुलेट करके देगा। मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद समिप लिखूंगी। समिप लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट और रेंज डिफाइन करूंगी। रेंज डिफाइन करने के बाद कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं क्रिटेरिया डिफाइन करूंगी। मैं यहाँ इक्वल लगा देती हूँ और उसके बाद वो वैल्यू दूंगी जिसके इक्वल तमाम वैल्यूज को मुझे प्लस करना है। मैं यहाँ 250 लिख दूंगी और उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी। मैं अपने सॉफ्टवेयर को कह रही हूँ कि 250 के इक्वल जितनी भी वैल्यूज हैं मेरे इस डाटा में मुझे उनको प्लस कर दे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो 250 के इक्वल जितनी भी वैल्यू होंगी मेरा सॉफ्टवेयर मुझे प्लस करके दे देगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम पे आती हूँ और दोबारा इक्वल साइन लगाऊंगी। समिफ लिखूंगी। समिफ लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद मैं रेंज डिफाइन करूंगी। रेंज डिफाइन करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद मैं ग्रेटर देन लिखूंगी और ग्रेटर देन लगाने के बाद 250। दोबारा इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर से कह रही हूं कि 250 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज हैं उनको प्लस कर दे, लेकिन जब मैं ग्रेटर का साइन लगा रही हूं तो 250 को वो उसमें काउंट नहीं करेगा। 250 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज होंगी ये उन वैल्यूज को प्लस करेगा लेकिन उसमें से 250 के इक्वल वैल्यू को शामिल नहीं करेगा। अब मैं इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा समिफ लगाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट सेल पे आऊंगी और इक्वल साइन, समिफ, राउंड ब्रैकेट, रेंज डिफाइन करूंगी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद मैं लेस देन साइन लगाऊंगी और दोबारा 250 लिख दूंगी। 250 लिखने के बाद मैं दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगी। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर से ये कह रही हूं कि 250 से लेस जितनी वैल्यूज हैं ये उनको प्लस कर दे, लेकिन ये उसमें 250 के इक्वल वैल्यू को शामिल नहीं करेगा। अब मैं इंटर प्रेस करूंगी तो 250 से लेस जितनी वैल्यूज हैं ये उनको प्लस कर देगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल पे आते हुए इक्वल साइन लगाऊंगी, समिप लिखूंगी। समिप लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट और रेंज। रेंज डिफाइन करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और अब मैं ग्रेटर और इक्वल साइन लगाऊंगी और 250 लिखूंगी और दोबारा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर से कह रही हूं कि 250 से जितनी ग्रेटर वैल्यू है और 250 के इक्वल जितनी वैल्यू है उन तमाम को प्लस कर दे, और इंटर प्रेस करूंगी तो 250 के इक्वल और 250 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज होंगी मेरा ये सॉफ्टवेयर उनको प्लस करके दे देगा। उसके बाद लास्ट सेल पे आते हुए मैं इक्वल साइन लगाऊंगी, समिफ लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट, देन रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं लेस और इक्वल साइन लगाऊंगी
और 250 लिखूंगी। उसके बाद दोबारा कॉमा लगाऊंगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर को कह रही हूँ कि 250 से लेस और 250 के इक्वल जितनी वैल्यूज हैं उनको प्लस कर दे। अब ये ना सिर्फ 250 से लेस वैल्यूज को काउंट करेगा बल्कि 250 से इक्वल वैल्यू को भी काउंट कर लेगा। और इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ गया। अब आप देखें, जहां हमने जस्ट 250 से लेस वैल्यू काउंट की है वहां हमारा जवाब 1173 है और 250 के इक्वल वैल्यू 750 है। और अगर हम दोनों को प्लस करें तो 1923 हमारा आंसर आता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही वैल्यू को लेके उसका क्राइटेरिया डिफाइन करें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या हर क्राइटेरिया के लिए अलग वैल्यू ले सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जिन वैल्यूज को आप प्लस करना चाहें आप प्लस कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।